फिलहाल फुल इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से देख सकते हैं, यही तो पहाड़ पे लोग इस सीजन आते हैं जाके यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं से आप बर्फ़ खाइए और फुल इंजॉय कीजिए और कहीं पर बैठ जाइए। तो अगर सुकून चाहते हो तो एक बार आना पड़ेगा पहाड़ों में, दुनिया जाए पहाड़ में हम चले पहाड़ में, सही से देख सकते हैं। अभी हम लोग गुलमार्ग ग्लेशियर फेस पे आ चुके हैं, बहुत ही आनंद भरा पल ये हो रहा है और हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा, साथी मिलते जा रहा। ऐसे देख सकते हैं हम बर्फ पर बैठे हुए हैं और घसरिया काटते हुए की तरफ जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है और ठंड बहुत है, पूरा बर्फ बर्फ है और बर्फ पर हम लोग लेटे हुए हैं तो देख सकते हैं। और यहाँ पर इंजॉय फुल कीजिए, कपड़े होने गंदे होने का टेंशन नहीं लीजिए, ये देखिए कपड़ा गंदा होगा तो होगा बस नीचे का फुल इंजॉय कीजिए। इधर देख सकते हैं, इधर स्केटिंग वाला कराकर लेके जाता है ऊपर से नीचे तक, तरीके का होता है। फिलहाल मैं नीचे बैठा हूँ ऐसे और इधर आपको पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस मुझे अभी तक नहीं मिला था। बस एक प्रॉब्लम है, थोड़ा ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम है, तो आप लोग पानी वगैरह लेकर आइए, पीते रहिए और फुल इंजॉय कीजिए, वीडियो रील्स बनाइए। कहते हैं सुकून चाहिए तो पहाड़ों में आना तो पड़ेगा ना मेरी जान, तो आपका भाई आ चुका है पहाड़ों के बीच और बर्फ पे सोया हुआ है, देख सकते हैं। फुल इंजॉय चाहे न कहते फटे तो फटे, पोजीशन न घटे, वही हाल होना यहाँ पर हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पैर बहुत स्लिप करता है तो उसको बचा के रखिए, लेकिन इंजॉय में कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। कश्मीर क्योंकि जन्नत स्वर्ग जो कहिए सबके लायक ये फिट होता है, कसम से आज जितना मजा आया लाइफ में कभी नहीं आया था, पता ना दोबारा आ पाएंगे या नहीं, वो तो बात की बात है। फिलहाल हाँ एक बात यहाँ कहना चाहते हैं, आए तो पूरा भरपूर घूमिए, थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों के साथ यहाँ पर ना आए, सेकंड फेज पे बच्चों के साथ आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और ज़्यादा समय तक आप यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, फिर भी बड़ों के साथ आइए फुल इंजॉय कीजिए। मेरा भी हालत ख़राब हो चुकी है जिससे आवाज़ निकल नहीं पा रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। इधर भी देख सकते हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ है, फुल इंजॉय कीजिए। यहाँ देखिए, अरे बाप, जितना आप इधर से बर्फ तोड़िए और ये देखिए बर्फ तोड़कर पूरा फुल इंजॉय कीजिए। सुकून तो इसी जगह है भाई, मज़ा है मज़ा, पहाड़ों में सुकून है। आप लोगों ने बहुत सारा रील्स देखा होगा वायरल होते हुए, भाई आपका वहाँ पर आ चुका है, कितना दिखाओ यार समझ में नहीं आ रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी दिखा देते हैं, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन की बहुत थोड़ा इधर दिक्कत हो जाती है, फिर भी जहाँ तक कोशिश करता हूँ ऊपर तक जाएंगे, वहाँ तक सबसे हाईएस्ट वहाँ तक है, जाने की करेंगे कोशिश, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो इसी तरीके से आप अपने खुद से भी जा सकते हैं, ऐसे इंजॉय करते करते नीचे की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल हर तरह का मोमेंट अपने आप आजमा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिलहाल फुल इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से देख सकते हैं, यही तो पहाड़ पे लोग सीजन में आते हैं जाके यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं से आप बर्फ खाइए और फुल इंजॉय कीजिए और कहीं पर बैठ जाइए, पूरा आपको हर तरह। अभी कुछ महीने के बाद अगर आते हैं एक हफ्ते के बाद तो ये जितना भी पत्थर आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा ढक जाएगा, अभी फिलहाल थोड़ा कम है, रेन फॉल भी थोड़ा नहीं हो रहा है, एक हफ्ते के बाद से लगभग होने लगेगी और भी आपको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। फिलहाल चलते हैं और भी आपको अच्छे से करते दिखाने की कोशिश, अगर आप आते हैं ऊपर तक भी जा सकते हैं, कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का पल है, इंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ अपने किसी भी साथ आते हैं बच्चों के साथ। तो जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं कि आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा,
जहां तक आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ बर्फ ही, और बर्फ से आप भरपूर खेल सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, जैसे कि और लोग भी यहां पर करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लोग आते हैं यही काम के लिए, यहां पर बर्फ में खेलने के लिए, कूदने के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ समय गुजारने के लिए, समय बिताने के लिए। तो बहुत ही मतलब अच्छी जगह है जो कि कश्मीर स्वर्ग मानी जाती है, स्वर्ग बताई जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, लोग छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ पे लोग कैसे चलते हैं, उसके चलने का रास्ता भी यहाँ पर बनाया गया प्रॉपर। आप हर जगह देखते हैं 2, 4, 10 लोग बैठे होंगे, अपना गपशप मारते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। तो यही है कश्मीर की खूबसूरती, जो कि लोग पूरा इंडिया से, उसके बाद से बाहर से भी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए विंटर टाइम में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आप देखते होंगे यहाँ पर आते हुए जनवरी के टाइम में, क्योंकि दिसंबर के लास्ट और जनवरी फर्स्ट से ही विंटर का समय शुरू हो जाता है, यानी ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आप लोगों ने यहाँ पर आते हुए देखा होगा, इसलिए कश्मीर बहुत ही फेमस है। और हर लोगों की इच्छा होती है कि कश्मीर की वादियों में, कश्मीर की ये जो बर्फ वाली जो वादियाँ हैं, इसके अंदर जाए, घूमे फिरे, और अपने लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस है जो कि कश्मीर को लेकर के वो लोगों के बीच में साझा करे। तो उसी के लिए आपका भाई यहाँ पर पहुँच चुका है, तो अपने माध्यम के, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की हर एक चीज़ कश्मीर की मैं कोशिश भरपूर करूँगा। अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आसानी के साथ पहुँच सकते हैं, वरना इसी का नज़ारा देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, जो कि कश्मीर की खूबसूरती को। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि गुलमर्ग के सिकंद फेस पे, और एक भाई हमारे मिले हुए हैं। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। तो ये गुजरात से हमारे श्री नरेंद्र जी के जगह से, तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस आपको अभी तक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। सबको लाइफ में एक बार फेस करवाना, कश्मीर आना ही चाहिए। जन्नत स्वर्ग बोलते हैं, नाम के हिसाब से कितना आपको लग रहा कि सही नाम हो? 10 स्टार में से 100 स्टार, मतलब कि रेटिंग, मतलब जैसे स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग के हिसाब से यहाँ सब कुछ सही है, एकदम एक नंबर है, सही है, बढ़िया। लाइफ में एक बार सबको आना चाहिए। तो अगर सुकून चाहते हो तो एक बार आना पड़ेगा पहाड़ों में, दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में, सही देख सकते हैं। अभी हम लोग गुलमर्ग सिकंद फेस पे आ चुके हैं, बहुत ही आनंद भरा पल ये हो रहा है, और हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा, साथी मिलते जा रहा। हाँ तो, बिल्कुल सुकून चाहिए तो आना, एक बार आओ, एक बार। दो जन आए थे, 3 हुए, आगे चलेंगे 4 होंगे, 5 होंगे, यहाँ दोस्त बढ़ते ही जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, चलिए और अपना एक्सपीरियंस साझा करते रहेंगे। भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऊपर, हालत ख़राब हो चुकी है, लगभग इसकी हाइट की बात करते हैं तो 13,000 फीट की इसकी हाइट है, जो कि गुलमर्ग सिकंद फेस का, और यहां पर पूरा बर्फ ही बर्फ आपको देखने को यहां से मिला होगा। और अगर बात करते हैं तो यहां पे स्केटिंग कर सकते हैं, जो कि इसके यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और बोलने में तो बहुत दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन वगैरह का जो लेवल है बहुत कम हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर चलने में बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, पूरा बर्फ होता है। देखिए बूट, ये वाला बूट हमने पहने हुए हैं, फिर भी ये काम नहीं कर रहा, पूरा बर्फ जमा जमा हुआ है, और मेरे लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस वीडियो में होने वाला है, तो आप लोग देखना पर चल रहे फिलहाल ऊपर की तरफ चल रहे, बहुत ही सावधानी यहाँ पर बरतनी पड़ती है, और बड़े बड़े बर्फ के यहाँ पर गोले देखने को मिलना है, जैसे आप यहाँ बैठा हूँ, हवाएं बहुत तेज चल रही है, जैसे कि आपको सुनाई दे रहा होगा वीडियो में, और ऑक्सीजन बहुत दिक्कत है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जो लोग नहीं चल सकते हैं, जिसको चलने में दिक्कत है या डर लगता है कि मैं गिर जाऊँगा, तो उसके लिए ये लकड़ी का होता है, इसको एस्केलेटिंग बोलते हैं, इसके माध्यम से आपको ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ लाया जाता है। इसका कुछ चार्ज होता है 200-300 रुपये तक इसका चार्ज करेगा, और सीजन के हिसाब से घट भर होता है, 500 तक भी चला जाता है। तो इसको अपनी तरफ से भी 100-200 बढ़ाकर दे दिया कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत रिक्स वाला बात होता है, जो कि आपको पहाड़ों पे, ये देखिए चलने के लिए, अपने चलने के लिए वो यहाँ पर रास्ता भी बनाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ गुलमर्ग के सबसे हाईएस्ट जगह जो होता है, लगभग सिकंद फेस पे,
और बहुत से लोग जो आते हैं सेकेंड फेज पर नहीं आ पाते, वो फर्स्ट फेज पर आते हैं और वहाँ से वो घूम कर चले जाते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में दिखा रखा है। तो अगर आप आते हैं बच्चे के साथ नहीं है तो कोशिश करें कि आप सेकेंड फेज तक आए और यहाँ पर आकर आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है अगर आप आते हैं तो, वरना इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कितना लोग यहाँ पर आकर इंजॉय करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेकेंड फेज पे आपको बर्फ़ जो है उसका क्वांटिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट फेज पे होता है उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जिस टाइम मैं आया हूँ फिलहाल अभी जो कि कम बर्फ़बारी हो रही है, स्नो कम हो रही है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी के महीने में जो कि बहुत ही हाई लेवल का जो है स्नो होने लगती है, और जैसे यहाँ पर देख सकते केबल कार जो कि इसी से यहाँ पर आया जाता है और यही बहुत ही यहाँ की फेमस है, जो कि एशिया की जो कि सबसे ऊंचे पर्वत पर पहाड़ों पर जाने वाली यह केबल कार है, इसलिए भी ये भी बहुत ही फेमस है, लोग इसकी सवारी करना चाहते हैं। देख सकते कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, कुछ लोग थक भी जाते हैं यहाँ पर आकर और कुछ लोग बैठकर देखते हैं कि कौन कौन लोग तो अपना अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, और कुछ लोग बैठकर अपना ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं जो कि ऑलरेडी कहीं और भी ले सकते हैं, लेकिन कश्मीर में वो भी सेकेंड फेज पर इतनी सर्दी के मौसम में आकर बैठने का मतलब ही है कि इंसान को एक सुकून चाहिए, जो कि आपको गुलमर्ग या कश्मीर की किसी भी वादियों में अगर पहुंचते हैं तो आपको दिल भरा एक सुकून देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से वो ऊपर की तरफ आपको खींच कर लेकर जाते हैं, कुछ अपना बोलते रहते हैं जो कि कलमा वगैरह पढ़ते रहते हैं ताकि उसको एनर्जी मिलता रहे, चुप ना रहे। मेन मकसद यही रहता है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोलते रहे ताकि उसके अंदर से एनर्जी मिले और आपको ऊपर तक खींच कर पहुँचाए आसानी के साथ, बस यही मकसद होता है कुछ इस तरीके का यहाँ पर, जिसके बदले उनके कुछ पैसे मिल जाते हैं। मतलब इन लोगों की रोजी रोटी यही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कश्मीर में टूरिस्ट से ही निर्भर रहते हैं, जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इनको अपनी तरफ से भी 100-200 जो हो सकता है, जो आप बात करें यहाँ 300 या 500 उससे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपके आपकी वजह से किसी के चेहरे पर अगर खुशी आती है तो वो बहुत एक बड़ी बात होती है, और घूमने के लिए आए तो जाहिर सी बात है आपकी वजह से उनके चेहरे पर खुशी आई तो आपको और सुकून मिलेगा। फिलहाल कुछ ये पहाड़ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है, दिल खुश हो जाता है ऐसे स्थिति को देखते हैं, ऐसी मंजर को जब देखते हैं आंखों के सामने ना तो आपका दिल खुश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो में देखकर आपका दिल खुश हो रहा होगा। यहाँ पर कुछ मैगी पॉइंट बनाया गया है, आप हर जगह जाते हैं तो पहाड़ पर आपको मैगी ज़रूर खाने को मिलती है, क्योंकि ठंड का सर्दी का मौसम होता है तो एक गर्मा गर्म आपको मैगी खाने को मिलती है। प्राइस कुछ इसका ज़्यादा होता है, लगभग 150 रुपये 120-140 के ऊपर ही होता है, ये देख सकते हैं केबल का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।